हाई गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आई एम स्नेहा शर्मा। टुडे वी आर डूइंग कैलाश मानसरोवर यात्रा लिंक रोड। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हमारी पिलग्रिमेज, हिंदू पिलग्रिमेज साइट है कैलाश मानसरोवर, ओके, कैलाश पर्वत पे। तो उसका गवर्नमेंट ने एक लिंक रोड बनाया है, शॉर्टेस्ट रूट, उसको हम देखने वाले हैं। पहले क्या रूट था और अब क्या शॉर्टेस्ट रूट है और वो किन कंट्रीज से पास होके जाता है, क्या पिलग्रिमेज साइट है, ये हम देखेंगे आज की वीडियो में। सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये बनाई है हमारी बीआरओ ऑर्गेनाइजेशन ने। बीआरओ क्या है? हमारी बोर्ड्स और बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज़ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन, रोड्स बनाने के लिए। तो हमारा न्यूज़ में आया कि डिफेंस मिनिस्टर्स हैं जो हमारे राजनाथ सिंह, इन्होंने इनॉग्रेट करा है कल, लिंक रोड इनॉग्रेट करा है फॉर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सो दिस इज़ द न्यूज़ अबाउट कैलाश मानसरोवर यात्रा लिंक रोड एंड डियर रोड हमारी बनाई है बीआरओ ने। ओके, सो इसके बाद हम देख लेते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक बनाई गई है। ये रोड लिंक करती है हमारी दारचूला डिस्ट्रिक्ट से, दारचूला एरिया से लिपू लेक, जो हमारा लिपू लेक पास है नेपाल और नेपाल के, चाइना और इंडिया के जॉइंट बॉर्डर पे है। यहाँ पे आप देख सकते हो चाइना बॉर्डर के पास। तो हमारा जो दारचूला है वहाँ से लेके ये बना है हमारा लिपू लेक पास। सो दिस इज़ एरिया, आप मैप में देख सकते हो, दिस इज़ एरिया पॉइंट जो है यहाँ पे, ये है हमारा लिपू लेक पास। यहाँ से जाएगा, यहाँ से एक रास्ता बनाया है जो बहुत पहाड़ी रास्ता था, जो रास्ता साफ नहीं था, उसको रोड ने, गवर्नमेंट ने साफ़ करके बीआरओ ने एकदम डायरेक्ट रास्ता बनाया है, जो हमारा शॉर्टेस्ट रूट है। और लिपू लेक एरिया जो चाइना के बॉर्डर पे है, इस वजह से इसको कहते हैं कैलाश मानसरोवर रूट। ये हमारा यहाँ से जाएगा, पहले यहाँ से जाता था फर्स्ट रूट और सेकंड रूट जाता था हमारा सिक्किम से लेके चाइना तक, यहाँ पे वीज़ा की ज़रूरत पड़ती थी। फिर हम देखते हैं हमारा कहाँ से कहाँ तक पॉइंट है हमारा नया। तो ये ऑरिजिनेट करता है फ्रॉम घाटियाबाद, ओके, घाटियाबाद और लेके ख़त्म होता है लिपू लेक पास तक, जैसे मैंने आपको बताया। ये लिपू लेक पास है जो हमारा, ये है नेपाल बॉर्डर के इस पॉइंट पे, जहाँ पे उत्तराखंड हमारा चाइना और नेपाल आता है। तो नेपाल ऑब्जेक्ट करता है, 2015 में नेपाल ने ऑब्जेक्ट करा था, वो कहता है कि लिपू लेक का पास के साउदर्न पार्ट है वो नेपाल में आता है, बट अभी तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया है, बट फ्यूचर में ये एक्सपेक्टेशंस हैं, जैसे इंडिया और नेपाल के रिलेशंस काफ़ी डीप है, तो वो उस पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा, बट लेट्स सी व्हाट विल हैपन। सो लिपू लेक पास, दिस इज़ द पॉइंट। फिर हम देखते हैं इसको, लिपू लेक पास को क्या कहा जाता है, गेटवे ऑफ कैलाश मानसरोवर कहा जाता है। इन दिस 80 किलोमीटर रूट, ये हमारा रूट है 80 किलोमीटर का, एंड द ऑल्टीट्यूड राइजेस फ्रॉम, तो जो यहाँ पे जगह थी वो बहुत उबड़ खाबड़ थी, उसको सरकार ने काफ़ी आसान बनाई है, जो हमारे एल्डरली पीपल हैं उन्हें दिक्कत होती थी जाने में पिलग्रिमेज के लिए। तो ये हमारी 80 किलोमीटर रूट है। किस हाइट पे है ये? 6000 फीट से लेके 17060 फीट की हाइट पे है ये रास्ता। फिर हम देख लेते हैं हमारा एट प्रेजेंट क्या इसका रूट था। सो एज यू कैन सी इन दिस मैप, देयर इज माउंट कैलाश हेयर एंड नीचे है हमारी मानसरोवर लेक, ओके। एट प्रेजेंट द ट्रैवल टू कैलाश मानसरोवर टेक्स अराउंड 2-3 वीक्स, ओके। पहले हमें जो हमारा नॉर्मल रूट था काफ़ी लॉन्ग था, नेपाल से लेके फिर चाइना तक, फिर चाइना के तिब्बतन एरिया में हम माउंट कैलाश जाते थे, तो उसमें 2-3 हफ्ते लगते थे, ठीक है। अभी एट प्रेजेंट में हमें 2-3 वीक्स लग जाते हैं थ्रू सिक्किम और नेपाल, ये आप देख सकते हो। तो अगर हमारा, अगर हमें ऐसे जाना है तो हम सिक्किम से होके हमें डायरेक्ट नेपाल नहीं क्रॉस करना पड़ेगा, इंडिया से लेके डायरेक्ट चाइना में हम जा सकते हैं और फिर माउंट कैलाश। तो ये हमारा जो रूट था
ये हमारा काफ़ी लॉन्गेस्ट रूट था, 2-3 वीक्स लग जाते थे। लिपू लेक रूट है जो हमारा हैड अ ट्रैक ऑफ 90 किलोमीटर। ओके, तो दूसरा रूट था वो हमारा 90 किलोमीटर है थ्रू हाई एल्टीट्यूड टेरेन, जहाँ पर काफ़ी ऊंचाई है और काफ़ी पथरीला रास्ता था। और जो हमारे एल्डरली यात्री थे, जो हमारे सीनियर सिटीजन यात्री थे, उनको काफ़ी डिफ़िकल्टी होती थी। सो दिस यात्रा विल गेट कम्प्लीट बाय व्हीकल्स। अभी हमारा सीधा आप अपनी गाड़ियों से और व्हीकल से कवर कर सकते हैं ये रास्ता। फिर हम बात कर लेते हैं माउंट कैलाश के बारे में। जो हमारा माउंट कैलाश है वो हमारा है 6638 मीटर की हाइट पे। सो माउंट कैलाश बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके पास हमारी दो रिवर्स हैं, हमारी दो लेक्स हैं सॉरी, जिसका नाम है हमारा लेक मानसरोवर एंड लेक रक्षास्थल। ये काफ़ी होली रिवर्स मानी जाती हैं और माउंट कैलाश को भी उनकी पूजा करी जाती है। काफ़ी पवित्र प्लेस माना जाता है, बहुत ही पॉपुलर है। यहाँ से लोग चाइना, जापान और काफ़ी US वगैरह से लोग आते हैं ट्रैवल करने। दिस इज़ एन हाई पीक इन द कैलाश रेंज। ये कैलाश रेंज है जिसको गंगेटाइज माउंटेन्स भी कहा जाता है। ओके, तो हमारा हमारा ग्रेट हिमालयाज़ के नीचे हमारा माउंट कैलाश रेंज आती है, जिसको गंगेटाइज माउंटेन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से गंगा निकलती है, उसका फर्टाइल लैंड भी है। तो इसकी हाइट हम देख चुके हैं। फिर इसके बाद देखते हैं, ये है हमारा विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ द ट्रांस हिमालय इन द तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन। जैसे मैंने आपको दिखाया था चाइना में यहाँ पे ट्रांस हिमालयाज है। ओके, ट्रांस हिमालयाज का पार्ट बनता है तिब्बतन रीजन में। जो तिब्बत रीजन था हमारा 1950 में, ओके, इसको चाइना ने कब्जा लिया था, इट ऑटोनॉमस पार्ट था हमारा एंड फिर और इसका ये है हमारे तिब्बत रीजन में है। एंड देन माउंटेन इज़ लोकेटेड नियर लेक मानसरोवर। ये इसके पास में है, जो बहुत ही होली होली रिवर्स होली लेक्स हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्लोज टू द सोर्स ऑफ सम और काफ़ी जो हमारी एशियन रिवर्स हैं उसका ओरिजिन भी यहाँ से होता है, जैसे हमारी इंडस होगी, सतलुज, ब्रह्मपुत्रा। ओके, सो दीज रिवर्स का यहाँ पे इन रिवर्स का यहाँ पे ओरिजिन होता है। गाइज, दिस इज़ अबाउट आवर वीडियो, दिस इज़ द न्यू करंट अफेयर। फॉर मोर नॉलेजेबल वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियो।